Okay, so firstly, you had amazing career starting with your childhood, and now you are coming up with two big projects. Right. So let's start with your childhood. First, tell us something about your childhood memories, how you got your first project, and now you are coming up with two projects. Tell us something about it. Come to think of it, it feels like eons ago because I started acting when I was 9 years old. So जब लोग बोलते हैं कि आपको कितने साल हो गए और इंडस्ट्री में जब मैं बोलती हूँ कि मुझे 16 साल पूरे हो गए हैं तो ऐसा लगता है कि वो शायद 16 साल बहुत ज़्यादा होते हैं बट जब मैं अपने बचपन में देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी तो करियर स्टार्ट हुआ था एंड इट्स बिन अ फन एंड फास्ट राइड आई बिलीव मतलब एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स मिलते गए लाइक माई फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज शन्नू की शादी उस टाइम पे पिक्चर्स आप ड्रॉप करते थे प्रोडक्शन हाउसेज में क्योंकि डिजिटल उतना था नहीं ज़माना आज तो आप जाके ईमेल कर सकते हो कास्टिंग डायरेक्टर्स को तो आई रिमेंबर मेरी मॉम ने पिक्चर्स करवाई थी जिसमें मेरा नाम होता था नीचे आंचल मुंजाल हाइट एज नंबर कि यू नो इन केस दे लाइक द पिक्चर्स दे वॉन्ट टू कॉल फॉर द ऑडिशन नंबर भी होना चाहिए एंड ऐसे ही मॉम को कॉल आया एक दिन कि आप यू नो एक बच्चे का रोल है एंड छोटा सा है बट आप सेट पे आ जाइए हम बच्चे का ऑडिशन लेना चाहते हैं एंड हम सेट पे गए मुझे एक लंबा सा पेज दिया गया ऑफ अ बिग मोनोलॉग एंड दे सेड कि आप आराम से करके कल परसों जब भी ऑडिशन देना हो दे देना एंड विद इन 2 मिनट्स आई सेड आई एम रेडी सो बचपन से ही वो एक हैबिट है लंबे डायलॉग्स याद करने की पता नहीं कैसे मतलब देखती हूँ और याद हो जाता है सो वंस आई सेड आई एम रेडी ही वाज वेरी सरप्राइज्ड मैं सेट पे जिस आई रिमेम्बर जिस दिन गई आई वेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मुझे ऐसा लगा कि द कैमरा वाज टॉकिंग टू मी दैट हाई आई एम योर बेस्ट फ्रेंड एंड यू आर हियर टू स्टे एंड आई एम गोना लव यू ऑल योर लाइफ एंड इट जस्ट फेल्ट राइट तो वहाँ से करियर की शुरुआत हुई विद अ कैमियो एंड इट्स जस्ट गॉन ऑन एंड ऑन टचवुड About after that you have done so many roles right. Especially ghost roles also and different language also right first I'll let me know about the ghost role how you got right. And darane ka mauka kitna mila khud kitna dare the well how I got the role by god's grace ekta ma'am loves me aur ye maine bahut logo se suna hai उनकी बहुत ऑफ कोर्स उनकी नज़र ऐसी है कि वो परख लेती हैं कौन अच्छा एक्टर है तो उन्होंने कहीं तो मुझे देखा होगा एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन माय चाइल्डहुड मैंने बहुत बालाजी के साथ काम किया है सो वंस आई गॉट दिस आई डोंट नो उनको मुझ में फेथ था या क्या था बट इतना बड़ा रोल दे देना एक बच्चे को एक बहुत बड़ी बात होती है सो व्हेन आई वाज टोल्ड द स्टोरी लाइन मुझे लगा नॉर्मल शो है ठीक है कर लूँगी अभी इतना काम कर ही रही हूँ बट जब आँखों में सफ़ेद लेंसेज डाल दिए जाते हैं रात को 3 बजे मेकअप रूम में तो एक बार के लिए आप भी सोचते हो ओके व्हाट एम आई डूइंग इन लाइफ डिस्पाइट यूर अ किड और बहुत हेक्टिक स्केड्यूल्स होते थे मतलब आई शॉट फॉर 3 डेज कंटिन्यूसली इतना यू नो बिकॉज आई वॉज अ मेन प्रोटैगनिस्ट तो बहुत हेक्टिक था एंड वंस आई रिमेंबर रात को 3 बजे उठा के बोल रहे हैं मैंने कहा क्या सीन है कहते कुछ नहीं आपको बस हार्नेस लगा रहे हैं पंखे से लटका रहे हैं और आपको हा करके डराना है एंड आई एम लाइक नाइस सो दिस इज़ व्हाट इट्स गोइंग टू बी लाइक यू नो करियर इज़ वेरी एक्साइटिंग तो इट वॉज एन एक्साइटिंग थिंग आई लर्नड अ लॉट एक्चुअली उस प्रोजेक्ट में भी मतलब आई रियलाइज कि ह्यूमन पावर इट्स ऑल अबाउट द माइंड गेम लाइक व्हेन टुडे अगर आप मुझे बोलोगे कि 6 बजे उठना है और नॉर्मल काम करना है तो मैं नहीं उठ पाऊँगी यू नो आई बी लाइक अच्छा ठीक है नॉर्मल काम के लिए क्यों उठना अनलेस आई हैव टू शूट और आई हैव टू गो टू द जिम बट वहाँ पे बींग अ किड मुझे दिन और रात कुछ समझ नहीं आता था आई यूज टू बी अप ऑल द टाइम और ऐसा लगता था कि अच्छा 15 मिनट मिले सो जाओ फिर रात को उठ रहे हो तो आई रियलाइज कि इट्स ऑल अबाउट द जज्बा और वो जो 3 दिन मैंने नॉन स्टॉप काम किया है मुझे एक अंदर से एहसास हो गया कि ओके दिस इज़ व्हाट आई एम मेंट टू डू एंड ओनली दिस थिंग कैन कीप मी गोइंग एंड वाज इट लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट 3 डेज इन योर लाइफ और एल्स यू हैव टेकन दैट थिंग एज अ चैलेंज नॉट एज अ चैलेंज वेरी ओवरवेलमिंग बहुत इमोशंस होते हैं क्योंकि मतलब आप मैं 2 दिन घर नहीं गई थी यार नहाने के लिए मेरी मॉम ब्रश लेकर आती थी वैनिटी में कि बेटा प्लीज़ एटलीस्ट ब्रश तो कर लो ओवरवेलमिंग है चैलेंजिंग तो मतलब नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट 3 दिन नॉन स्टॉप काम करना थोड़ा सा ऐसे यू नो इंसान थक जाता है
बट व्हेन यू आर अ किड आई थिंक वो एक होता है कि नो आई एम गोइंग टू डू इट. तो अभी भी वो जज्बा टचवुड इज स्टिल अलाइव इन मी बिकॉज आई एम सो पैशनेट फॉर वर्किंग. अभी भी मतलब कोई प्रोजेक्ट मिल जाए तो आई वुड लव टू वर्क डे एंड नाइट फॉर श्योर. राइट बहुत अच्छा लगा. आई मीन टचवुड लकीली फॉर मी मेरा वेलकम वहाँ पे बहुत अच्छा था. मैंने लास्ट टाइम किसी और को भी बताया था वहाँ पे इतना प्यार देते हैं ना एज एक्टर्स को कि आपको ऐसा लगता है कि ओके दिस इज़ व्हाट नेक्स्ट टू गॉडलीनेस इज़. बिकॉज एज यू ऑल्सो नो एक्टर्स के वहाँ पे टेम्पल्स बनाते हैं, दे लव एक्टर्स सो मच. मैं जब सेट पे जाती थी हीरोइन मैडम करके बुलाते थे. एंड सपोज अगर मैं यू नो एक गांव में हूँ और ऐसे मैंने सोच लिया कि शायद मेरा पिज्ज़ा खाने का मन है और मैंने अगर किसी के साथ शेयर कर लिया फ्रॉम माई टीम मेम्बर, सो दिल मेक श्योर कि वो पिज्ज़ा आ जाए. सो मतलब इतना एक्सटेंड हो गया था कि मैंने काम डाउन किया टीम को कि लिसन इट्स ओके. अगर मैं सोच रही हूँ कि यार इतना अच्छा मौसम है, चाय और पकौड़े मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सात समुंदर पार से पकौड़े ले आओगे. बिकॉज वी यूज टू शूट इन रिमोट लोकेशन एंड वो ब्यूटी दिख रही है हमारी फिल्म में, जाकर देखिए इससे ही ऑन नेटफ्लिक्स. हाँ जी. आई थिंक ये चेंज एक साल में नहीं आया है बिकॉज अगर आप देखो तो एक टाइम ऐसा था जहाँ पे बाहुबली के शो की टिकट्स नहीं मिल रही थी एंड दैट हैपेंड लॉन्ग अगो. सो व्हेन बाहुबली रिलीज्ड हम सब लोगों को पता चला कि साउथ इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ रीजन, इट्स ऑल अबाउट द फिल्म मेकिंग, अबाउट द एक्टर्स and the beauty that they show in their films, you know, it's larger than life and sometimes of course you love it. So tab se hi ye daur shuru ho gaya tha about good cinema and ab to mujhe aisa lagta hai ki it's not about the language at all. Hollywood ho, Bollywood ho, Tollywood ho, kuch bhi ho ya Collywood ho for that matter, as long as the script is good and the actors are good, film chalegi hi chalegi. And let's come back to this Hindi cinema. Yeah. When we talk about reality show, do baar aapko reality show Bigg Boss ka offer aaya tha, but both the time you rejected. Is there any particular reason behind it? आप अपना होमवर्क करके आए हो जो आपको पता है कि मुझे दो बार कॉल आया है. वैसे कॉल ज़्यादा बार आया था, ऑन रिकॉर्ड दो बार बोला है. नहीं आई मीन टू बी ऑनेस्ट इट्स मैंने पहले भी ये रीज़न दिया है विच इज़ प्रीटी मच ट्रू. द होल रीज़न वाई आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर इज़ बिकॉज मुझे पता है मैं आंचल हूँ, मैं कैसी लड़की हूँ और मुझे हर वो लड़की एक्सप्लोर करना है जो मैं नहीं हूँ. यू नो क्योंकि बचपन में ख्वाब होता है डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, ये भी बनना है, नर्स भी बनना है, पायलट भी बनना है. तो थ्रू माई करियर आई फील आई कैन बी ऑल. बट वैन अगर खुद की बात आए ना कि आप कैसे इंसान हो, क्या आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, मैं अभी तक खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ. क्योंकि आप जब मुझे सेट पर देखोगे मैं 100 लोगों की अगर यूनिट है उनसे ऐसे बात करती हूँ, देर यू नो आई एम द बिगेस्ट हैपनिंग एक्सट्रोवर्ट पर्सन दैट देर इज़. बट कहीं कहीं पर मैं दो लोगों से भी बात नहीं कर पाती हूँ. तो एक फेज़ में जहाँ पे मैं खुद अपने आप को एक्सप्लोर कर रही हूँ, आई डोंट थिंक आई कैन बी पुट अंडर अंडर अ रूफ विद सो मेनी पीपल एंड सो मेनी कैमराज एंड बी लाइक कि ठीक है गो बी ओवर एक्सपोज एंड डू व्हाट यू कैन. तो वो आई फील इज अ लिटिल टू मच फॉर मी. करियर की शुरुआत हम मूवी की बात करें तो एक फैमिली मूवी से आपने करियर की शुरुआत की थी, राइट? किस तरह का प्यार आपको मिला है और आपकी फैमिली के क्या रिस्पॉन्स व्हेन दे सॉ यू ऑन द बिग स्क्रीन? राइट. हर फैमिली का सपना होता है अपने चाइल्ड को देखना. Right. और क्या कुछ रिस्पॉन्स आया उनकी तरफ से? सो आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज वी आर फैमिली इज़ माई फर्स्ट फिल्म. आई वेंट टू द प्रेमियर ऑफ द फिल्म और मुझे नहीं पता था ये प्रेमियर क्या होता है, व्हाट इज़ इट गोना बी लाइक एंड एवरीथिंग. एंड माई डायरेक्टर सिद्धार्थ सर, उनकी वाइफ एलिवेटर के जस्ट बाहर खड़ी थी और मेरा कैरेक्टर नेम था आलिया. सो द मोमेंट द एलिवेटर ओपन्ड एंड वी एंटर्ड द थिएटर, शी टोल्ड माई मॉम आई एम स्टीलिंग योर डॉटर. And my mom was like, okay, and she's like, yeah, now she's just my Alia for the evening, my name in the film.
and she was introducing me to everybody, that hi, that's my Alia, that's my Alia, that's my Alia. And I was very surprised as to ye kyun ho raha hai, kyunki kuch logon ne already film dekh li thi aur wo kuch log mere director ko pooch rahe the ki who is this girl, like she is amazing, itni you know itni choti ho ke itni achhi acting kaise kar li. And jab hum sab ne film dekhi uske baad hum interval mein jab you know I was meeting people, I can't tell you that moment. I think 100, 200 people were like, girl, you're fab, you're amazing, what have you done, even you don't know, and all of that. And uske dauran, my forever crush till date taps me on my shoulder and he says, hey girl, you've done an amazing job. And I look at him and I'm like, thank you, like, you know, I was thanking everybody. And then I turn back and I'm like, thank you, thank you, thank you, thank you. Well, I realized it was Shahid Kapoor. He had that beard from the Mausam film and I was like, Shahid Kapoor has told me, girl, you've done a good job, matlab ab ho gaya, this is it. So it was an amazing experience. I can never forget my first film premiere. Well, after that, I want to ask you then whom you are going to work with. You already said Varun Dhawan, Vicky Kaushal, you have right. taken the name. But I'll ask you something different, like which director you will choose for like any dream director? Oh my god. So I really want to, I mean of course I want to work with a lot of directors, but one director who I am dying to work with is Sanjay sir, Sanjay Leela Bhansali. I mean when you look at his films, you go in a different, you know, life altogether, and it just, I don't know, teleports you to a different world. So I want to be a part of that world. Aur aapko agar aapko mauka mile, like it's a romantic story, like Shah Rukh Khan, like we used to do romantic story. But aapko agar romantic script mile and you have two options to choose, like is it Vicky Kaushal and Varun Dhawan, whom you will say, I want to pick this man? Itne difficult question ke liye hamko milna chahiye na, I'm getting the hamko for it. Matlab how can you choose, yeah? So sabse pehle Varun aa jata hai naam muh pe, to I'll go with Varun. And like now we'll talk about your upcoming projects. Right. Like, tell us something about your upcoming project, when it is going to come. Right. So my all my fans are in for a treat, like I've said, and dono films bahut jaldi release hongi. And मतलब दोनों के ही producers almost at the deciding stage है कि कब release करना है, तो वो कभी भी खुशखबरी मुझे भी मिल सकती है. बट एक फिल्म जिसके बारे में मैं बात कर सकती हूँ और आप लोग फर्स्ट हो जो मैं पब्लिकली ये नाम ले रही हूँ, मेरी एक फिल्म का नाम है मंडली. एंड आई कॉन्ट स्पीक अबाउट द कॉन्सेप्ट येट क्योंकि NDA है, बट एटलीस्ट मैं नाम बता पा रही हूँ. सो वाई द नेम दैट यू विल हैव टू गो एंड सी द फिल्म फॉर. इट्स डायरेक्टेड बाय राकेश चतुर्वेदी ओम सर. एंड मेरा उस फिल्म पे बहुत बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ. लाइक बहुत फिल्में की हैं, बट आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस. वहाँ पे अगर एक महीने के हमारे शूटिंग शेड्यूल था, तो एक महीने के वर्कशॉप्स की डेट्स ली गई थी. एंड आई एक्चुअली थॉट कि एक महीने की वर्कशॉप्स, ओके दिस इज़ गोना बी न्यू एंड डिफरेंट, लेट्स सी. बट आई फील इट हैज़ चेंज्ड मी, एनहांस्ड मी एज एन एक्टर ऑन अनदर लेवल. मतलब हम जाते थे एंड राकेश सर वाज लाइक, आपको चाय बनानी आती है? एंड प्लीज़ गाइस जज मत करना, मैं किचन में पहले कभी काम नहीं किया है. चाय बनानी अब तो आती है, तब भी ठीक ठाक आती थी. तो मैंने उनको सच सच बता दिया कि सर उतनी अच्छी नहीं आती है जितनी पीने लायक हो, बट हाँ कर सकती हो. तो ही सेड, आप तो फिल्म में चाय बना रही हो और मुझे चाहिए कि बहुत ऑर्गेनिकली दिखे, तो आप अपने घर पे अब से डेली एक चाय बनाएंगी. एंड आई थॉट कि ठीक है, मतलब घर पे बनानी है, बना लूँगी, मतलब व्हेनेवर आई गेट द टाइम. एक दिन ऑफिस में जब मैं आई, तो मैम आप चाय बना रही हैं घर पे? हम लाइक हाँ जी. अच्छा ठीक है, तो आज ये गेस्ट आए हुए हैं, सम प्रोड्यूसर्स फ्रॉम अनदर फ्रेटर्निटी, इनके लिए चाय बना लीजिए. एंड आई एम लाइक, हाँ व्हाट जस्ट हैपेंड? एंड लकीली मैंने तीन चार बार प्रैक्टिस की थी, तो मैं ऑफिस के किचन में गई एंड ही वाज सीइंग हाउ एज टू हाउ कम्फर्टेबल आई एम, क्योंकि सीन्स हैं वैसे और मैं ऐसे जल्दी 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 कर रही हूँ. और मैंने चाय बना के दे दी, बहुत ऑर्गेनिकली दिखा. एंड ही इज़ लाइक, चलो ये तो अच्छे से हो गया. एंड मतलब ऐसे इतनी तीन चार चीज़ें थी, लाइक व्हेन यू एंटर अ रूम, वो रूम में बस कहीं पे भी बैठ जाते थे या दूसरे रूम से एग्जिट हो जाते थे, यू डोंट नो कहाँ से देख रहे हैं. यू दिल विल बी लाइक, आप रूम में एंटर कर रही हैं और आई कॉन्ट टेक द नेम्स, ये हो चुका है और आपको इसको इसको कॉल करना है, हाउ विल यू डू इट? तो
I'm like, film में तो ऐसा ही नहीं, वैसा तो नहीं करना है ना आपको, अलग तरीके से करना है. तो आई यूज़ टू डू दैट. उसको 10 और वेरिएशंस में हम लोग करते थे. तो इट्स बीन एक्सट्रीमली एक्साइटिंग टू लर्न ऑल ऑफ दैट एज एन एक्टर. And lastly, when it is going to come? The last question I will ask. That question I just asked my producer in the car. कि मतलब आप ये तो बताइए कि मैं डेट कब की बताऊँ. बट उन्होंने बोला है कि मैम प्लीज़ थोड़ा होल्ड कीजिए, फाइनल स्टेजेस पे है. तो मतलब कभी भी हो सकता है, अगले महीने हो सकता है, उसके अगले महीने हो सकता है. वी आर ऑल वेटिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड. फिंगर्स क्रॉस्ड, वी आर ऑल वेटिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.